आती थी यार वीडियो में मत आना आपसे, मतलब वीडियो साथ में बनाना मत, व्लॉग में नहीं आने का। हां ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं हूं बिलाल, मैं हूं जिशा, मैं हूं अभ्रेश, मैं हूं अतरंगी अरसला और आप हैं आतू फालतू। तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक और एक न्यू एक्साइटिंग व्लॉग में। आज गाइस भाई हम लोग को भेज रहा है बाहर थोड़े काम से, तो हम लोग आपको आज डीमार्ट लेके जा रहे हैं। खाली जाहिद और मैं ही जा रहे हम लोग जा रहे हैं। जी अभ्रेश भाई हम लोग को शॉपिंग करवा रहे हैं और ये है मुस्तजा। तो हम लोग जाके फटाफट आते हैं, ठीक है? बिल के लिए जा, जो जो बोला ना वो सब ले लेना। मैं बिल के लिए कॉल करूंगा, और किसको कॉल करेगा फिर? बगैर इसको मैं जा रहा हूँ। सो गाइस हम लोग अपनी धन्नो निकाल लिए है, ये धन्नो पे जाएंगे हम लोग। गो, इतनी सी चीज लेने के लिए आए थे यहाँ पे, बस लोग मेरे को अभी कॉल करके बोलते हैं खाली इतनी ही चीज लेने गए, और अभी हम लोग सिर्फ सोच रहे कि हम लोग अपने लिए क्या लें। जैसे को कुछ लेने गए का हो गया लेकर, और अभी हम लोग निकल रहे हैं, आपको घर जाके डायरेक्ट अभी मिलते हैं हम लोग। अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, हम लोग प्रैंक करने वाले, प्रैंक करेंगे। ये कि रोइना को ना वीडियो बनाने में ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब हम लोग के साथ में। हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी आरती दीदी को ना थोड़ा बहुत प्रैंक करने ना बहुत ज्यादा मजा आता है, तो आज हम लोग उल्टा सीधा कुछ ना कुछ तो लेकर आते ही रहेंगे सिर्फ आरती दीदी को थोड़ा सा परेशान करने के लिए। चलो अभी बाहर तो सबको बता दिया हम लोग ने, तो खाली आरती दीदी के ऊपर प्रैंक हो रहा है। आरती दीदी तो अभी तक थे ही नहीं, अभी उन लोग ऊपर गए हुए थे, जैसे ही नीचे आएंगे वैसे ही प्रैंक स्टार्ट करेंगे हम लोग। मसले हो गए यहाँ पे निशांत भाई। अरे दो ना मेरा फोन। अभी अभी रुइना का कॉल आया था, लाइक कुछ बता रहा था मेरे को। क्या हुआ? लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया आरती, जो तेरे वो सेम दाना इधर आया अक्षत को भी सेम वही। सेम पिंच। ओ। सेम पिंच करा तो मैंने। क्या हुआ तुमको? क्या प्रॉब्लम है यार? क्या कर रहे थे? अरे मैं तुमको ऐसा करके कुछ नहीं बोला, मैं जाहिद को लेके बोल रहा था। क्या जाहिद को लेके? कुछ नहीं कुछ नहीं, मत बोलना कुछ। लेकिन रुइना बोल रही है तो अभी देखो कंसीडर तो करना पड़ेगा। वो भी है, देखो इम्पोर्टेंट वो है, अब कान में मत बोल, जोर से बोल जो भी है। अक्षय क्या हुआ? मेरे को भी बोलो ये सब मत करो यार कान में। मत अक्षय ये सब मत बोल। अरे देना दो। थैंक यू। नहीं करना पड़ेगा तो वही सोच रहा क्या करेंगे? बोलो ना यार क्या है। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा है कि नहीं तू देखो भाई है, लेकिन तो जरूरी है कि खून का रिश्ता होना चाहिए। ये लोग नहीं समझ पाते पागल, यही तो बात है। और लोग नहीं समझ पाते। रुइना तुम्हारी फियांसे? यस। क्या बोल रही थी? बोल सही से, बोलना ठीक से, बोलो बोल के बोलो भाई। क्यों है जैसे तुम हम लोग के सामने बोल रहे हो ऐसा बोल? अरे वही बोल रहे थे कि आरती दीदी के साथ वीडियो में मत आना आपसे, मतलब वीडियो साथ में बनाना मत, बोल रहे अच्छा नहीं लगता चैनल में, मत आओ हमारे चैनल में ही नहीं आना। इतनी बड़ी बात बोलती है? हाँ अभी क्या करेंगे भाभी, अभी क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि घर पे मत आना, लेकिन आज में नहीं आना। नहीं नहीं घर पे आओ, घर पे आओ, घर पे आओ। बस तुमको कोई मसला तो नहीं है ना? कोई चलेगा ना? कोई मसला तो नहीं है ना? क्या बोलो बोलिए ना, अब लो ऐसा सोच रहे मैं क्या बोलूं अभी। आप बताओ अगर आपका कोई फियांसे होगा तो? हाँ, आप पहली बात मैं ऐसे कोई इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसको मेरे से दोस्त, मेरे चलो ठीक है मैं मान लेता हूं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि रुइना को बहुत प्रॉब्लम है आपसे?
एक बात मैं बता रहा हूँ कि देखो जैसे कि तुमने बोले कि शादी ऐसे इंसान से नहीं करूंगी जो मुझे रोके हुए, ठीक है, लेकिन रोके हुए मतलब सही चीजों, सही चीजों के लिए जो कुछ भी जैसा भी बाबा, हाँ भाई ठीक है, तुम लेकिन why you are offensive so much? शादी होने के बाद वो पहले पहले जाने दिया, बाद में मना कर दिया, फिर क्या करो, तब ज्यादा हर्ट होगा, that's the main reason. लेकिन भाई ब्लॉग में आने मना कर डाली मुंह पे, बोले कि उसको लेना ही, भाई जो तो बोली वो बोलो ना मुंह पर, तो राहु भाई तुम क्या बोल रहे, कोई मसला नहीं, तुम्हारी वाइफ को प्रॉब्लम है, सुनो सुनो पहले क्या बात है, बात कैसे कोई तीसरे पर्सन की वजह से लाइफ में मियां बीवी के झगड़ा नहीं होता, बात कैसे की भाई, बिलाल भाई बताओ ना क्या क्या बोल रही थी, जैसे ये बता नहीं पा रहा, तुम भी तो भाई बोलते हो उसको, और वो हम लोग का भी भाई, हम लोग लड़की थोड़ी ना, उनको लड़की से प्रॉब्लम है, आरती दीदी से प्रॉब्लम नहीं है, लड़की कहाँ से लड़की दिख रही है, देखो परकटी बाल देखो, बाल भी लौटना वाला था, क्या हो गया ना पहले शायद, मतलब ब्लॉग में क्या हुआ कि फोटो वोटो ऐसा ऐसा, और प्रैंक में भी साथ साथ देता है, भाई है वो, हम लोग समझा रहे उसको, लेकिन वो समझ, सब भाई है सब बहन है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वो शायद भाई क्या कर सकते हो, तुम लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे हो, मेरे को मालूम है, ऐसा नहीं कर रहे, दिख रहा हम लोग मस्ती कर रहे हैं, वो जाहिद भाई, जाहिद भाई वही बात बताओ, और रूबीना से बात करते करते उसके आंख में आंसू, तुम लोग झगड़ा करके रोना क्या लगता है, जो है बात करके क्लियर कर लेना, रोना क्यों, कैसा समझाओ, मस्ती नहीं कर रहा सच में, दिख लो रहा है, पहले तो मैंने भी बोला उसको, होने की क्या बात है इसके अंदर, बोलते क्या है, कोई मसला नहीं है, बोलना असली बोल, मैं कोई बात देखते ना, देखो कोई अपने मतलब पार्टनर को सिखाते ना, बोलते हैं कि मतलब सामने वाला का अच्छा नहीं लगता है बिहेवियर, उसका नेचर उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मस्ती करी, वीडियो में तो करते ही हो ना, अरे तो वो तो मैं थोड़ा नॉर्मली जैसे थोड़ा तुम लोग के साथ रहती हूँ, भाई बहन वाला नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, भाई सही बात है, बच्ची नहीं करो, मैं उसको बोल, मैं बात करूँ एक बार उससे, नहीं नहीं बात मत करो, अभी क्या बात हो जाएगी, अभी मालूम कि तुमने उसको बोल दिए, अब मेरे बारे में क्या सोचेगी वो, नहीं वो बोलती डायरेक्ट बोल दो मेरा नाम लेके चलेगा, तो लाओ ना मैं एक बार बात कर लेती हूँ, बहन तुम लोगों से क्या प्रॉब्लम, बात बढ़ गई तो और बात करने से, इसलिए बात को दफन करना सीखो, वही उसने बोली कि ऐसा मतलब मेरे को पसंद नहीं आती है, भाई की मतलब अभी मैं नहीं आऊंगी तुम लोग के वीडियो, बुरा क्यों लग रहा है, अरे जो भी है सामने है, घर में रह रहे हो, हमारी बहन हो, ऐसा चलता है, नहीं भाई लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है कि तुमको समझाना एक बात चाहिए था कि मैं बहुत समझाया, दीदी आप समझ के ले लो ना, की बात में लड़की लोग एक बार जीत पड़ जाते तो, इससे पहले भी हुआ था, पर ऐसा लड़की हुआ करते थे, तू बोल लड़की, अच्छा ठीक है कुत्ते, मैं इससे पहले भी बहुत समझाया, ठीक है भाई, लड़कियों से बहस करने से अच्छा लड़कियों के आगे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा रिश्ता खराब हो, वो भी यही नहीं चाहती है, इस वजह से आपको तू बोल रही है, मेरे वजह से उसका रिश्ता क्यों खराब हो रहा है, इसलिए तो रहने को मतलब ब्लॉग बनाने के लिए मना कर दी, लेकिन रिश्ता क्यों खराब हो रहा है, मैं थोड़ी उन लोग के बीच में कुछ दरार डाल रही हूँ, रीजन तो लेकिन भाई अंबुजा सीमेंट थोड़ी है ना, दो दरार आ जी अंबुजा सीमेंट में दरार नहीं आती, भाई कोई मसला नहीं, एक बार तुमको चाहिए तो मेरी बात करवा दो, अगर नहीं मानी तो कोई बात नहीं, छोड़ो ना तू, उसके दिल में अगर कुछ रहेगा ऐसा तो छोड़ दो, अभी क्या हम क्लियर करते बैठेंगे, काश वही अपनी आरती दीदी समझदार होते तो समझ के ले लेते, भाई देखो मैं समझदार हूँ लेकिन कैसा है ना, मेरा ऐसी लाइफ है, और मेरे को ऐसा है कि अगर मैं किसी से अटैच हो जाती हूँ ना तो मेरे को टाइम लगता है, अभी जाहिद भाई को मैं अपने छोटे भाई जैसा ही मानती हूँ, मैं भी तो, और हाँ तुम भी हो लेकिन तुम्हारे तरफ से कुछ वो नहीं है ना, अभी उसकी मेरी तरफ से मेरी गर्लफ्रेंड या फिर फियोंसे है क्या, नहीं तो होगी भी तो तरफ से भी आ जाएगी, होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी, अच्छा कुछ दिख रहा है, देखो समझ भी नहीं आया कि इसका कुछ भी नहीं है,
नहीं मैं बात बोल रही हूँ, मैं जिससे अटैच हो जाती हूँ, जैसे जाहिद भाई को मैं बहुत छोटा सच्चा भाई मानती हूँ मेरा, लेकिन ठीक है अभी हो गया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हाँ सही बात है मत करो। लेकिन अगले दिन कभी ऐसा बोलती इतना बोल रहे हो यार, ऐसा बोलती तो मिलो मत। देखो भाई अभी वो बोलेंगे तो फिर तुम लोग को वो भी मानना ही पड़ेगा बिकॉज अभी सही तुम्हारा, देखो तुम्हारा हस्बैंड फ्यूचर हस्बैंड जो भी रहेगा वो हम लोग को मना करेगा वीडियो में, हम लोग नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। सिंपल मेरी फिकर मत करो, तुम लोग चाहते बुरा लगता है भाई भी बुरा लगता है, और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं फेक प्रिटेंड कर सकूँ, मेरा जो है मेरा निकल जाता है नेचुरल। अरे फेक वेक कुछ नहीं है, हाँ सही में हाजमा होना चाहिए अच्छा। अब्रेशर मत करो, रुको मैं पानी लेकर आता, रुक जाओ हाथी तुम्हारे लिए, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, तुमको पीना पड़ेगा। हेलो हाथी पानी लाना है क्या? उसके लिए बारिश हो गई, अरे तेरे नहीं उसके लिए बारिश, बारिश हो गई तो बूंद आया, बारिश हो गई ईशान भाई मोर ऐसे जंगल में मोर डाले ऐसा पर्दा ही रख मत करो भाई, मत करो भाई, मत करो, भाई बोल रहे तो मस्ती करेंगे ही ना, मत करे मस्ती। नहीं मैं भाई तो बोल रही हूँ, जो भी कर रहा है पुलिस से भी प्रॉब्लम है, जो भी है मत मत कर इसके साथ प्रैंक व्रैंक, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ब्लैंक बहन को क्या बोलते भाई, ताई ताई बोलते बहन को, ताई अम्मा खटक रहे हो तुम, ताई अम्मा प्रैंक कर रहे थे, ऐसा घिनौना प्रैंक कौन करता है भाई, हम लोग घिनौना प्रैंक आप फॉलो करें, और तुम बहुत ज्यादा ही बोल रहे थे बच बजे इधर आओ, अरसलान भाई को नहीं बोला नहीं, अरसु सुनो ना मैं तुमको वो नहीं लग रही हूँ बाजे, बस बस बोलने जा रहा था कि आती तुम तो बाजे ऐसा लग रहा है, आपको जो नहीं मारा उसकी मार तकली, जो नहीं मारा उसकी मार, देखो मालूम है जोर से किसने मारा है, कौन मारा उसकी करेंगे, अब अगर गलत किए तो वापिस से तुम्हारी हुई, मारो किसने मारा जोर से बताओ। चलो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आरती दीदी को मैं करवा दूं, कैसा लगा पर प्रैंक, बकरी लग रही वाओ, कैसा लगा प्रैंक आरती तुमको, बहुत ज्यादा बकवास और मेरे को बहुत चिढ़ आ रही है, कैमरा बंद हो ना तब तुमको दिखाती हूं, आए बड़े कोई बात नहीं, चलो गाइस फ्लिप ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आरती जादू आए बड़ा पता तू टेंशन में जब छोड़ दे हो जा तू भी फालतू, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।